राजकीय महाविद्यालय मंडी में एनएसयूआई के कैंपस अध्यक्ष आजाद गुमराह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में महाविद्यालय की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से युवा कांग्रेस मंडी के अध्यक्ष रविंदर ठाकुर उपस्थित रहे। इस बैठक के उपरांत एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा कॉलेज के प्राचार्य अशोक अवस्थी को महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। युवा कांग्रेस मंडी के अध्यक्ष रविंदर ठाकुर ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधाराओं से अवगत करवाया और साथ ही संगठन के आगामी कार्यक्रमों की रणनीति बनाई गई। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में बस पास काउंटर, जिम की दुरुस्ती तथा स्टूडेंट पार्किंग खोलने की मांग की है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर उनकी इन मांगों को समय रहते पूरा नहीं किया जाता है तो एनएसयूआई छात्र हित को देखते हुए भविष्य में उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन व प्रदेश सरकार की होगी। इस अवसर पर गोल्डी ठाकुर, तरुण कुमार, पंकज गुमराह, सम्मी ठाकुर व सिद्धांत के साथ एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। आज बल्लभ महाविद्यालय मंडी में एनएसयूआई इकाई के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है और उसके उपरांत एनएसयूआई इकाई प्रधानाचार्य महोदय को कॉलेज की डिमांड्स को लेकर एक ज्ञापन देगी, जिसमें हमारी जो मेन डिमांड रहेगी वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को पार्किंग की जो समस्याएं आ रही हैं, पिछले 2-3 महीने से लेकर जो पार्किंग है वो स्टूडेंट्स पार्किंग है वो बंद कर दी गई है, तो उसके लिए हम प्रिंसिपल महोदय को ज्ञापन देंगे। और कॉलेज का जो जिम है वो लगभग 1.5-2 साल से बंद ही पड़ा है और मशीनें बिल्कुल खराब हो गई हैं, तो उसके लिए भी प्रिंसिपल महोदय को इस समस्या के बारे में अवगत करवाया जाएगा। और कॉलेज में जो बस पास काउंटर, हमारे छात्रों को बाहर जाना पड़ता है बस स्टैंड में, कई बार 2-3 दिन लग जाते हैं बस पास बनाने में, दूर दराज के हमारे छात्र आते हैं तो उनको बस पास बनाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए भी हम प्रधानाचार्य महोदय के लिए के पास इसकी डिमांड रखेंगे कि कॉलेज में बस पास काउंटर की सुविधा प्रदान की जाए, जो कि हमारे पास बस पास काउंटर का जो काउंटर लगा भी है कॉलेज में, परंतु वहां कोई बस पास काउंटर नहीं बनता है, इसके लिए भी हम प्रधानाचार्य महोदय के पास ज्ञापन देंगे। और कॉलेज की और भी जो कोई भी डिमांड्स हैं उनके लिए हम प्रधानाचार्य महोदय को अवगत कराएंगे और उचित जो इसका समाधान है उसकी हम अपेक्षा करते हैं। छात्र संघ चुनावों के बारे में भाजपा ने जो मैनिफेस्टो में दिया था कि सत्ता में आते ही छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं, तो एनएसयूआई भी चाहती है कि छात्रों को जो लोकतंत्र अधिकार है उनको दिए जाए और जो भी छात्र संघ चुनाव है उनको बहाल किया जाए। एनएसयूआई भी इसके समर्थन करती है।